So, the picture was basically a boy sitting on his uh, study table, books were open, and there was a lamp on the table as well. So, the picture which I wrote was that Anil was a BSc final year student and he had his final exams, final semester exams coming after two weeks. Since he was a good badminton player at the college level, so uh, you know he was busy in his inter college uh, tournaments and could not focus much in the class.

इसको बोलते हैं एक्चुअल में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो जो सामने वाला पर्सन है जो इंटरव्यूअर है वो एग्जैक्टली exactly क्या देखना चाह रहा है ये टेस्ट हो क्यों रहा है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट पहले इसको पढ़ो कि टेस्ट कब शुरू हुआ था क्यों शुरू हुआ था किस लिए करते हैं वो क्या देखते हैं तो आपको समझ आएगा उनकी साइकी क्या है तो अब आपकी थॉट प्रोसेस वहां से अलाइन होगी नहीं तो आप कुछ भी कहानी सुना दोगे इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज जो बाकी सब सुना रहे हैं Yes, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मैं क्या देख रहा हूं आपकी स्टोरी में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपकी स्टोरी में नहीं है मेरा इंटरेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी में आपकी वे ऑफ थिंकिंग में क्योंकि वो स्टोरी से आएगी वो स्टोरी से पता लगेगी ना मे बी बाकी सब वहां पर जो भी आ रहे हैं वो सब इसी तरह की कहानी बना रहे हैं मतलब उनको क्या दिख रही है वहां पे सैडनेस दिख रही है और आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट बट आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड पैशन इन इट तो जो भी आप बोल रहे हो ना आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो आप ये दिखा रहे हो आप क्या हो दूमेंट यू से ही सैड यू आर सैड तो आपको सबसे पहले क्या करना है वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है मे बी ही इज नॉट सैड वो तो बैठा है पढ़ाई कर रहा है ही इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वो पिछले दो घंटे से कोशिश कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लेकिन अभी तक सोल्यूशन निकला नहीं है लेकिन अभी कुछ ही में कैपेबिलिटी टू नहीं अपने बारे में बता रहे हो. ये तो वो सुनना चाहते हैं दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे और कोई नहीं सोच रहा होगा वहां पर सब क्या कर रहे होंगे जाकर के कहानी सुना रहे होंगे कहानियां सुनने में उनका इंटरेस्ट थोड़ी ना है अगर कहानियों में इंटरेस्ट है तो तो वो जा करके मूवीज देखेंगे ना तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी दे आर इंटरेस्टेड इन यू हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद पर्सन इन द पिक्चर दिस इज एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इससे पता लगेगा आपकी थॉट प्रोसेस क्या है तो पहले अपनी अप्रोच को ऐसा कर दो कि एक्चुअल में आपका जो माइंड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए क्वेश्चनिंग माइंड हो द मोमेंट यू क्वेश्चन कि क्या ये सैड दिख रहा है या सैड है और सैडनेस का मतलब क्या है फेस से कैसे पता लगता है कि कोई सैड है हाउ डू यू नो दैट टू यूज दीज वर्ड वेरी वेरी केयरफुली स्टोरी एंड शो यू एक्चुअली आर डीप विद इन जो साइकोलॉजिस्ट है उनको भी उस स्टोरी का हिस्सा बना दो क्योंकि हर इंसान किस में इंटरेस्टेड होता है आप में नहीं आपकी कहानी में नहीं वो खुद में इंटरेस्टेड होता है यस yes, सर दे आर द हीरो ऑफ देयर ओन स्टोरी तो इफ दे आर आ पार्ट ऑफ द स्टोरी यू विल इमीजिएटली गेट देयर अटेंशन आप ऐसे बोलो ये जो स्टूडेंट है इसका ध्यान पढ़ाई से हट गया थोड़ी देर के लिए वो बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था अब वो बैठा हुआ यह सोच रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू है जहां पर कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे और मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे तो वो जब मेरे से पूछेंगे कि किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या करूँगा तो अब उसके माइंड में थाट आया कि मैं पहले से नहीं सोचूंगा आने दो जो स्टोरी आ रही है फिर जब आएगी और वो मेरे से पूछेंगे तब मैं बोलूंगा तो उसके कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपना ध्यान यहां से हटाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है तो मैंने कहा पहले से क्यों सोचना है कि क्या बोलना है जब वो चैलेंज आएगा तब सोचूंगा ना दीज आर दैट दे टू हियर दर्ड्स एयरफोर्स से जोड़ो ना यू गेटिंग आई एम कमिंग फ्रॉम यस सर आई इसको आपने कनेक्ट किया एयरफोर्स से प्लस उस साइकोलॉजिस्ट से यानी कि इंटरव्यूअर से प्लस yes. खुद से इन तीनों से जोड़ दिया उस कहानी को तीनों को कहानी में ले आए उसका एक ही सपना है कि किसी भी तरह से उसको एयरफोर्स में जाना है बट उसको रियलाइज हो गया है कि मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे वहां पर जाकर के क्या बोलना है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वहां पर क्या आने वाला है तो जैसे ही मेरे को ये रियलाइजेशन आया जैसे ही मुझे बात समझ में आई तो मैंने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है इस लड़के ने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है वहाँ से हटा दिया और अपनी पढ़ाई में लगा दिया जो अभी उसके सामने है वहाँ पर लगा दिया जिस एस्पेक्ट को वो कंट्रोल कर सकता है उस पर लगा दिया जो एस्पेक्ट उसके अभी कंट्रोल से बाहर है या जो अभी हुआ ही नहीं है जो होने वाला है कल उसके बारे में उसने सोचना बंद कर दिया इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा कर मतलब ही नहीं <laughs> पूरे आठ के आठ बच्चे जो भी ग्रुप में थे सब ने ये सेम ही थीम बनाया दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स और कुछ लोगों ने तो पीछे एक फोटो टंगी थी उसमें उसके फादर की डेथ भी दिखा दी दैट इज फादर वॉज डेड इन द आर्मी एंड ऑल दैट पर इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा कि ये एक डिफरेंट एंगल इसमें हम डाल सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या जज करेंगे इस कहानी से कि यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन यू आर अ क्रिएटिव थिंकर यू यू आर आर अ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट क्रिएटर बिकॉज द मूमेंट यू स्टिंग अड स्टोरी दैट पर्सन विल गेट सैड जो इंटरव्यूर है तो सैड स्टोरी क्यों सुनानी है एक्चुअल स्टोरी सुनाओ अपनी खुद की दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नॉट जस्ट फॉर दैक ऑफ इट बट फॉर अचीविंग अ टारगेट और अ गोल विच इज एब्सोल्यूटली क्लियर इन योर माइंड